uh भारत में शनिवार है टुडे इज़ 18th मार्च 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज की साकार मुरली कल के मुरली को ही बाबा आगे लेकर जा रहे हैं आज की साकार मुरली में दो दो बातें आई है जोड़िया आई है आज की मुरली को अगर एक शब्द में हम सार रूप में कहे तो आज की मुरली है सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ एक बहुत अच्छा तरीका बाबा हमें सिखा रहे हैं मार्केटिंग में सेवा करने के कारण मार्केटिंग के या जिसको हिंदी में कहते माल बेचने का तरीका होता है जो सेल्स पर्सन होते हैं तो उनको ये सब ट्रिक पता होती है कि अपना माल कैसे बेचा जाए वो कहते हैं अच्छा सेल्समैन किसे कहते हैं तो मार्केटिंग में ये उदाहरण दिया जाता है कि समझो किसी को तेल बेचना है ये बहुत बड़ी समस्या बहुत लोगों के बाल चले जाते हैं तो समझो कोई व्यक्ति गंजा है उसके सिर के ऊपर बाल नहीं है तो अच्छा सेल्समैन होगा वो उसे केवल तेल नहीं बेचेगा वो उसको तेल बेचेगा और साथ में कंगी भी बेचेगा क्योंकि वो कहेगा अभी तेल लगाएंगे आप हमारा इतना अच्छा तेल है जिससे आपको बाल आ जाएंगे तो बाल करने के लिए कंगी भी चाहिए आपको ये मार्केटिंग है तो ये सेल्समैन होते हैं ये बहुत होशियार होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में मैं मेडिकल एडवाइजर रहा हूँ तो हमको पता है कि ये डॉक्टर्स के साथ कैसे बात करते हैं बहुत श्रूड होते हैं सेल्समैन अलग अलग युक्तियाँ इस्तेमाल करके डॉक्टर से अपने दवाई का ब्रांड लिखवाते हैं ताकि डॉक्टर इनकी ही दवाई लिखे तो उनको बहुत सारे युक्तियाँ सिखाई जाती है कि डॉक्टर को प्रूव कैसे करना है मना डॉक्टर को कैसे पहले तो साइंटिफिक नॉलेज देके शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कन्विंस करते हैं अगर देखा कि डॉक्टर बहुत होशियार है तो फिर पहला सी काम नहीं करता है तो दूसरा सी यूज़ करते हैं वो है कंफ्यूज करना तो या तो कन्विंस करते हैं माना समझाने की कोशिश करते हैं अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको मुंझा देते हैं कंफ्यूज करते हैं दूसरा सी अगर ये भी नहीं है तो तीसरा फी फिर तमो प्रधान युक्तिया इस्तेमाल करते हैं फिर तीसरा सी है करप्ट करप्ट करते हैं उसको उसको आमिष देते हैं और अपना माल बेचते हैं तो ये है अपना माल बेचने की युक्तिया जो सेल्स पर्सन होते हैं, बाबा ने भी मुरली में कहा है कि अच्छा मैनेजर वो जिसके बहुत सारे गिराइक हो अगर आप बाबा का सेंटर अच्छी तरह चलाते हो तो उसका प्रूफ है कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो बाबा ने भी ये मुरली में कहा है आज तो कहा है कि सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है और जो लोग कहते हैं बाबा के बच्चे कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है हम मुरली सुनते हैं योग करते हैं सब कुछ करते हैं फिर भी खुशी नहीं है तो बाबा ने कहा सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी कल की मुरली में कहा था कि आपको मनहूस नहीं होना है कोई आपके दर पर आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बड़े प्यार से बहुत प्यार से सम्मान के साथ उसको अविनाशी ज्ञान रत्नों की रोटी खिलानी है ऐसे बाबा ने कहा किसी को लात नहीं मार रही है है ना तो बाबा ने कल बहुत अच्छी धारणा की बातें बताई कि कैसे हमको अविनाशी ज्ञान रत्न का दान देना ही है मेरे दर पे कोई आए खाली नहीं जाना चाहिए आज बाबा उसी बात को आगे लेकर चला रहा है दो दो की जोड़ियां बताई है सबसे पहले जोड़ी बाबा ने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है सर्वव्यापी है या परमधाम निवासी है निराकार है या साकार है ये आपको फर्क समझाना है ऐसे ही राज ऋषि और हटियोग ऋषि इसका फर्क समझाना है फिर आया व्यर्थ और समर्थ का फर्क समझाना है तो बाबा ने ये सब बनाई इसलिए है जैसे वो सेल्समैन होते हैं अभी देखा कि उसने सामने वाला कन्विंस हो गया है उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा है वो लेने वाला है अभी इसको बेचना है इसका टारगेट होता है कम से कम दस लेंगे दस ही जाना चाहिए तो ये ये नहीं कहेगा दस ऑप्शन देता है सामने वाले को कहता है कि कितना बुक करो मैं बीस करो या दस करो तो उसको पता होता है कि ज्यादा बुक नहीं करेगा वो कम ही करेगा तो बीस और दस का ऑप्शन जब देते हैं तो वो यूजुअली कस्टमर होता है वो कम वाला खरीदी करता है लेकिन करता है और जब वो अबलाइज हो जाता है जब उसने बुद्धि से स्वीकार किया है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो वो 10 के ऑर्डर दे देता है तो ये तरीका है तो जब आप ऐसे ऑप्शंस बताते हो फर्क बताते हो तो सामने वाले को निर्णय लेना इजी हो जाता है बहुत सारे किराना स्टोर पर भी आप जाओ तो वो सीधा ये प्रश्न पूछते हैं कि आपको कितना चाहिए कितना लेंगे दस लेंगे बीस लेंगे उस समय अगर आपको आप बुद्धि आपकी स्थिर नहीं है तो आप इमोशनल बायर बन सकते हैं तो फल बेचने वाला भी यही तरीका इस्तेमाल करता है वो सीधा फल बांध के रेडी रखता है ये साहब ले जाओ बहुत मीठा है वो उसमें एडजेक्टिव एड करेगा विशेषण डालेगा ताकि वो देखेगा कि सामने वाला ने डिसीजन नहीं ले पा रहा है जब कस्टमर डिसीजन या निर्णय नहीं ले पा रहा है तो ये कस्टमर की तरफ से निर्णय लेते हैं और उसमें एडिशन क्या करते हैं साहब ये फल लेके जाओ आपके बच्चे खुश होंगे एक बार खाओगे तो आप बार बार मेरे पास आओगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आपको भी लगता है चलो ले लेते हैं बच्चों के लिए तो ले रहे तो ये लोग परखने में बहुत होशियार होते अच्छे सेल्समैन तो आपको इन बातों के ऊपर इनकी बातों के ऊपर गौर फरमाना चाहिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि ये कैसे अपना माल बेचते हैं बाबा कहते है, आपको भी इससे ही अच्छा सेल्समैन होना चाहिए बाबा देखो कितनी ज्ञान को समझाने की युक्तिया बता रहा है एक बात जो बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भक्ति मार्ग की, की परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं बहुत बड़ा इंसल्ट है परमात्मा का कि परमात्मा कण कण में है कुत्ते बिल्ली में है बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो बाबा आज कह रहा है कि मीठे बच्चे मोस्ट बिलेवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालो एक्यूरेट शब्दों में बाप का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से अभी बाबा के बच्चे इस बात से बिल्कुल कन, बिल्कुल एक प्रकार से कन्विंस है कि परमात्मा कण कण में हो नहीं सकता है असंभव है लेकिन इसको युक्त युक्त हमको बताना है तो हमने भगवत गीता स्टडी ग्रुप में भी ये देखा है कि कैसे परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता है हम तो रेफरेंस के साथ कहते हैं क्योंकि ये लोग भगवत गीता को मानते हैं, तो भगवत गीता के श्लोक सुनाकर ही उनको बता देना चाहिए तो ये रेफरेंस आप कह सकते हैं है ना चौथे अध्याय में सातवा आठवां श्लोक जो बहुत सारे लोगों का बायाट हो गया जब महाभारत सीरियल आई थी बी आर चोपरा के तो उसका टाइटल सॉन्ग ही यही था यदा यदा ही धर्मस्य है ना संभव आमी युगे युगे ये सातवां और आठवा श्लोक है सेवेंथ एंड एथ वर्स ऑफ फोर्थ चैप्टर ऑफ भगवत गीता तो उसमें कहा गया है कि वो आता है अभी आता है ये शब्द ही सिद्ध करता है कि वो इधर नहीं है अगर इधर आता है इधर है तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता है फिर दूसरा श्लोक पंद्रहवे अध्याय में भी आया हुआ है छठा श्लोक तथामम परमम ममा मेरा घर परम धाम है अभी परम धाम में रहने वाला है इसका मतलब इधर नहीं है तो परम धाम से इस दुनिया में आता है और चौथे अध्याय का श्लोक है जन्म कर्मच में दिव्यम है ना मेरा जन्म दिव्य है मैं आप लोगों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ और फिर नौवे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है अवज जानती माँ मुड़ा तनुमा माना मैं तन का आधार लेता हूँ साधारण तन का आधार लेता हूं क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है तो ये चारों ही श्लोक को मिला के हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि परमात्मा यहाँ नहीं है परम धाम निवासी है उसका जन्म दिव्य है तो कैसे जन्म लेता है तो वो साधारण तन में प्रवेश करता है अभी ऐसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है आप उसको ब्रह्मा कहो एडम कहो आदम कहो फर्स्ट मैन कहो उसके द्वारा नई दुनिया बनती है तो वो जिस तन में प्रवेश करेगा उसी के द्वारा वो ज्ञान सुनाएगा तो ऐसे कहते हैं कि आकाशवाणी हुई बराबर है मुख को आकाश कहते हैं वैसे भी अगर चेहरे को देखा जाए यहां बहुत एम्प्टी स्पेसेस होते जिसको एलोपैथी के डॉक्टर साइनसेस कहते हैं तो नाक के बाजू में दो साइनस होता आग के तरफ दो तीन साइनस होते है फ्रंटल इथमोइडल यहाँ पे गालों के ऊपर ये सब आकाश है एम्टी है पोलार है तो वहां से आवाज गूंजती है तो आत्मा अंदर से आकाशवाणी करती है तो ये आकाशवाणी ब्रह्मा के मुख के द्वारा हो रही है परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा अवतरित होता है ये बिल्कुल ठीक है बात अभी इसको भी हम कह सकते हैं कि उसको कब आना चाहिए जैसे शास्त्रों में लिखा है कि वह द्वापर में आया था तो उसके आने के बाद कलयुग आया तो फिर उसके आने का फायदा क्या है वो आएगा तो सतयुग की स्थापना करेगा कि कलयुग की स्थापना करेगा जब वो कहता है कि मैं अधर्म का विनाश करता हूं है ना ये भी श्लोक हमने देखा आठवाध्याय चौथे अध्याय का आठवा की विनाशाय दुष्कृताम दुष्कृता माना जो खलनायक है के उनको मैं समाप्त करता हूं और धर्म संस्थापनार्थाय माना धर्म की स्थापना करता हूं तो अगर भगवान द्वापर के एंड में आके धर्म की स्थापना करता है तो कलयुग में अधर्म कैसे बड़ा धर्म होना चाहिए इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है फिर उनको बताओ कि कलयुग एंड में ही उसको आना चाहिए जब अधर्म अपनी शिखा पर है धर्म ग्लानी का समय है तो अभी उनको पूछो कि क्या अभी का समय धर्म ग्लानी का नहीं लगता है जब धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ही विकार में जा रहे हैं वही भ्रष्टाचारी पापाचार हो रहे हैं तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा जब इतना हो जाता है कि ये सभी साधु संन्यासी भी जेल में जाने लगते हैं तब समझने का धर्म की ग्लानी है और तब भगवान आके इनका भी उद्धार करता है है ना परित्राणा या साधु नाम कहा गया तो साधुओं का भी उद्धार करता है तो वो धर्मग्लानी का समय अभी आपको दिखाई नहीं देता चारों तरफ ऐसे कहके युक्ति से परमात्मा का परिचय देना चाहिए तो जब हम कहते हैं कि वो आता है इसका मतलब वो यहां पर नहीं है तो ऐसे संदर्भ के साथ हम परमात्मा का परिचय देंगे तो सामने वाला उसको स्वीकार करेगा और कोई माँ बाप हमने पहले भी देखा कलयुग के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे दुखी हो कलयुग के माँ बाप जिनकी बैटरी डिस्चार्ज है वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए तो ये परम पिता परमात्मा जिसको कहा गया है जो मात पिता है वो रहम का सागर है दया का सागर है वो कैसे चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी हो जाए तो वो अपने बच्चों के लिए सौगात लेकर आएगा कौन सी सौगात तो जिसका तीनों शास्त्रों में गायन है किसी ने उसको हेवन कहा किसी ने वैश्व कहा किसी ने स्वर्ग कहा वो सर्वोच्च सौगात लेकर आता है और अपने बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता है ना कि नर्क का तो फिर उनको ये बताना भी चाहिए या पूछना चाहिए कि स्वर्ग कोई बनाता है तो नरक बनाने वाला भी कोई चाहिए ये भी बात आज मुरली में आई है नरक का रचयिता कौन और स्वर्ग का रचयिता कौन क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को नरक में डालेगा नहीं डाल सकता अगर किसी माँ बाप को लिखने को दिया जाए कि तुम अपने बच्चे का भाग्य लिखो तो कोई माँ बाप अपने बच्चे के भाग्य में नरक नहीं लिखेगा कि वो हमेशा दुखी रहे परेशान रहे बीमारियों से त्रस्त रहे आत्महत्या करे ऐसा कोई माँ बाप नहीं लिखेगा हर माँ बाप अपने बच्चे का भाग्य अच्छा लिखेगा तो स्वयं भाग्य विधाता अगर धरती पर आता है तो वो अपने बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ लिखेगा तो जरूर नरक में भेजने वाला कोई और है अभी वो कौन है तो वो रुलाने वाला है इसलिए उसको रावण कहते रावण का अर्थ है रुलाने वाला तो रुलाने वाले कौन है तो गहराई में जाकर देखेंगे तो रुलाने वाले है हमारे अंदर जो निगेटिविटी है वही हमको रुलाती है उस निगेटिविटी को ही विकार कहा है उसी को ही रावण कहा हुआ है तो नरक का रचयिता रावण है और स्वर्ग का रचयिता परमात्मा है ये बात भी आप सिद्ध कर सकते हो अच्छी तरह से तो इस तरह से अगर हम यथार्थ रूप से जो बाबा कहता है एक्यूरेट शब्दों में बाप का परिचय देते हैं तो उनको स्वीकार करना बहुत सहज है अभी देहदारी क्यों परमात्मा नहीं हो सकता ये बात भी हम सेवन डेज कोर्स में बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं ये बाबा ने साकार मुरलियों में कही थी अभी श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषता है सोलह कला संपूर्ण भक्ति मार्ग में उसके संपूर्ण अवतार कहते हैं क्योंकि है ही बहुत आकर्षक है संपूर्ण निर्विकार्य है सोलह कला संपूर्ण है तो पर आप देखो श्री कृष्ण को सभी मात पिता नहीं कह सकते श्री कृष्ण को तो उसके बच्चे ही मात पिता कहेंगे राजा को सभी मात पिता कहते ही मान सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण बड़ा होके श्री नारायण बनता है तो नारायण को मात पिता कहेंगे श्री कृष्ण बच्चे को तो मात पिता नहीं कहेंगे चलो अगर ये मान के चलो कि हिंदू धर्म जिसे अभी कहते हैं या सनातन धर्म जो ओरिजिनल नाम है वो भी उसको मात पिता कहे तो बाकी धर्म वाले तो उसको मानेंगे नहीं ना ना इस्लाम मानेगा ना क्रिश्चियन मानेंगे वो कहेंगे तो हिंदुओं का पिता है तो ऐसी कौन सी बात है जिसे सभी धर्मों वाले मानेंगे बाबा ने कहा इसी एक बात को आप सिद्ध करो तो लोग स्वीकार करेंगे कि परमात्मा निराकार है ज्योतिष स्वरूप है कि केवल इस एक बात के वजह से गड़बड़ हुई है कि बाप के जगह पे बच्चे का नाम डाल दिया अभी श्री कृष्ण का जन्म भगवत गीता से हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण को जो भी शरीर मिला है किस आधार पर तो हम जानते हैं कि शरीर मिलता है कर्मों के आधार पर उसने पहले जन्म में कोई कर्म किए हैं जिसके वजह से वो इतना श्रेष्ठ बना है पर उसने कर्म करने के लिए कौन सा ज्ञान लिया तो बाबा ने उसका राज बताया कि श्री की आत्मा ही पहले जन्म में ब्रह्मा की आत्मा थी साधारण बूढ़ा तन था उसने शिव बाबा निराकार ज्ञान के सागर पति पावन शिव बाबा से श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान अपने में धारण करके अगले जन्म में वो सर्वश्रेष्ठ से कृष्ण की आत्मा बन गई तो श्री कृष्ण का भी जन्म भगवत गीता से हुआ है तो भगवत गीता हो गई श्री कृष्ण की माता इसलिए गीता जन्म के बाद कृष्ण जन्म बताते हैं लेकिन गीता जन्म के पहले शिव का जन्म है तो सीक्वेंस है शिवरात्रि के बाद गीता जयंती गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती और उसके बाद राम जयंती या राम नवमी कहते हैं तो इस तरह से अगर हम युक्ति से बताएं क्योंकि जो आत्मा गर्भ से जन्म लेती है उसके माता पिता होते हैं है ना और उसके साथ सुख दुख है क्योंकि शरीर है मतलब सुख दुख है और परमात्मा को तो अपना कोई शरीर नहीं है वो निराकार है ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसे सभी धर्मों ने माना है तो इस तरह से अगर हम युक्ति से बाबा का परिचय देंगे तो सामने वाले को स्वीकार करना बहुत सहज होगा अभी हमारी बहने कितना अच्छा सेवन डेज कोर्स लेती है शुरुआत में बाबा ने ये बातें बताई थी अभी सेवन डेज कोर्स इतना रिफाइन हो गया है कि अगर कोई बहन का योग अच्छा है भाई का योग अच्छा है तो सामने वाले को तीर लग जाएगा उसकी बुद्धि स्वीकार करेगी मुझे पता नहीं अभी मैं तो सेंटर पर ये देखता नहीं हूं पर हमारे सेंटर पर होता है कोई कोर्स करने कर लेता है तो उसको एक प्रश्नावली होती है पहले और बाद में है ना तो पहले प्रश्नावली में लिखता है कि परमात्मा परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है पहला प्रश्न फिर होता है कि परमात्मा है या नहीं अगर है तो कहाँ है है ना क्या वो सर्वव्यापी है परम परमधाम निवासी है परमात्मा और देवता में क्या अंतर है क्या श्री कृष्ण देवता है या परमात्मा है ऐसे ऐसे उसको प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका जो भक्ति का ज्ञान होगा या नहीं होगा उस आधार पर पहले वो प्रश्नों का जवाब लिखता है उसमें भी तारीख होती है फिर सात दिन का कोर्स करते हैं उसके बाद में वही प्रश्न उससे भरे जाते हैं अब ये ब्यूटीफुल रिसर्च है सिस्टमेटिक रिसर्च है कि पहले मेरी जो मान्यता थी और सेवन डेज कोर्स करने के बाद मेरी बुद्धि ने जजमेंट दिया कि परमात्मा परमधाम निवासी है सर्वे नहीं है निराकार है और श्री कृष्ण देवता है परमात्मा देवता नहीं है क्योंकि देवता पुनर्जन्म में आते हैं परमात्मा तो अजन्मा है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है और स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है तो ये आज बाबा ने पूरे मुरली में बताया कि किसी को कैसे समझाना है समझाने का टेक्निक होता है टैक्ट होता है सामने वाले की पल्स नब्स पकड़ना आना चाहिए मैं कई बार ये ज्ञान डायरेक्ट नहीं देता हूं मैं पहले उसको देखता हूँ इसको किस चीज की जरूरत है तो ज्यादातर लोग आते हैं वो शांति के लिए आते हैं या कोई बीमारी के लिए आते है किसी को डिप्रेशन होता है किसी को उदासी होती है किसी को चिंता की बीमारी होती है तो उनको वो पहले अनुभव कराओ क्योंकि ज्ञान को सब सबको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसे बाबा ने कहा ना स्नेह के ऊपर मुरली वो स्नेह से ही आते हैं क्योंकि इतना प्यार उनको कहीं मिलता नहीं है सम्मान कहीं मिलता नहीं है वो अनुभव करते हैं कि ये बीके भाई बहने बहुत प्यार से बात करते सम्मान से बात करते मैं तो एडिक्शन में देखता हूँ जिस शराब पीने वाले को कोई पूछता नहीं है उसको बहने भाई कहते आइए भाई साहब आप कृपया विराजमान होइए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बाहर कोई पूछता नहीं है ये लोग टोली भी खिलाते हैं ज्ञान भी सुनाते हैं प्यार से बात करते हैं तो उसे अच्छा लगने लगता है तो मुझे ऐसे लगता है कई बार ये हमारा व्यवहार ही बहुत बड़ा काम करता है वो अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ प्राप्ति किया है परमात्मा के गुण और शक्तियां तो वो अनुभव करते नए भाई बहने और फिर उनको लगता है कि यहाँ पे रहना बहुत अच्छा है फिर धीरे धीरे उनके बुद्धि में ये ज्ञान जाने लगता है बाबा ने कहा भक्ति करते करते बाबा ने बहुत मुरली में कहा टिप्पणी घिस गया है और आज मुरली में कहा है पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि बन गए शिव का भी पत्थर का चित्र है श्री कृष्ण और देवताओं का भी पत्थर का चित्र है वो अभी किसी की हम पूजा क्यों करते हैं तो बाबा ने प्रश्न फिर से कहा कि पूजा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो होके गए हैं तो शिव की पूजा करते मना शिव चैतन्य में होके गया है कभी तो आया होगा जी... तो उसने किसको ज्ञान दिया और किसके द्वारा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की तो आज गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को भी याद किया है है ना अभी वो बेंजो दिया है उसके हाथ में वीणा तो ये कौन सी वीणा है वो हर स्कूल में महाराष्ट्र में ये प्रार्थना बोली जाती है या कुंदेन्दु तुषार हाल धवला माने सरस्वती का गायन है या श्वेत है तो संस्कृत की पर ये हर स्कूल में महाराष्ट्र में मराठी स्कूल में बोला जाता है तो सरस्वती को याद करते हैं हर स्कूल में तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी प्रैक्टिकल में है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाली है तो हम सब नंबर वार मास्टर ब्रह्मा और मास्टर सरस्वती भी है बाबा के सब बच्चे नंबर वार है तो ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए बाबा ने आज कहा जो भाषण करने वाले हैं, अच्छे जो स्पीकर होते हैं वो लिख के लेते हैं और एक एक शब्द के ऊपर उनका कंट्रोल होता है अगर आपको अपना स्पीच इंप्रूव करना है तो आप ये जो हमारे हर देश के स्पोक्स पर्सन होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते यूनाइटेड नेशन में वर्तमान समय भारत का जो है बहुत बुद्धिमान है, उनको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जवाब भी इतना सटीक देते हैं कम शब्दों में कई बार सवाल का जवाब देना नहीं होता है सवाल के अगेंस्ट में सवाल ही पूछना होता है तो बाबा ये इनको आज याद कर रहा है जो अच्छे स्पीकर होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं जरा भी हिचका तो आबरू चली जाएगी क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है अभी देखो नोबेल प्राइज का चल रहा है है ना तो नोबेल प्राइज पीस प्राइज किसको देना चाहिए तो जिसने पूरे विश्व के ऊपर अपना प्रभाव डाला हुआ है है ना तो उसमें कई सारे नाम आ रहे हैं तो हर एक अपने इसको इन, अंग्रेजी में हम कहते हैं होती है लॉबी माना अपने विचार वालों को पुश करते रहते हैं और यहाँ पर भी राजकारण चलता है लेकिन कहने का भाव है कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को सुनाते हैं तो पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा कहते आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे हम किसी को परिचय दे अभी मैं रोज का अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ का नाम अभी बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है तो हर स्थान पर अलग अलग माहौल होता है वहाँ के लोगों की भावना होती है तो वो पल्स पहले मैं सेंस करता हूँ बोलने के पहले कि सामने वाले लोग कैसे है पढ़े लिखे है भावना वाले है भक्ति मार्ग वाले है तो उस अनुसार उनकी पल्स को सेंस करके फिर उनको जो जरूरत वाली बातें है उनको सुनाना है डायरेक्ट बाबा का ज्ञान नहीं देना है क्योंकि वो हजम नहीं कर पाएंगे उनकी अपेक्षाएं बहुत छोटी रहती है कि मेरे घर में सुख शांति आज है मेरा बेटा या बेटी मेरा कहना माने वो पढ़ाई करे पति पत्नी का झगड़ा कम हो जाए यही उनकी अपेक्षा रहती है तो ये पीछे आने वाली आत्माएं हैं तो बाबा ने कहा एक अनाद आने से संतुष्ट होने वाली है फिर उनके अंदर अगर हिम्मत आए तो वो सेवन डेज कोर्स करके बाबा के बच्चे बनेंगे तो ये ऋषि और हट ऋषि का फर्क भी बाबा ने बताया तो ऋषि जनक की कहानी है संसार में रहते हुए राजाई करते हुए उसने मुक्ति को प्राप्त किया यहाँ तक कि स्वयं व्यास जिसने शास्त्र लिखे जो सबसे बड़ा व्यास गुरु कहते हैं जिसके ऊपर से व्यासपीठ ये शब्द आया है तो उसने अपने बेटे को भी इस राजा जनक ऋषि राज के पास भेजा तो ये ऋषि की कहानी है तो ये ज्ञान का तराजू बाबा ने आज बताया कि पलड़े में सभी शास्त्र रखो भक्ति के और एक तरफ गीता रखो तो गीता भारी पड़ेगी पर वो नहीं जो लौकिक गीता है पर वो जो शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा सिखाते हैं वो यथार्थ गीता है लौकिक गीता में तो आटे में नमक जितना ज्ञान है ऐसे ही वर्णों का भी ज्ञान है आज अमृत वेले का भी महत्व आया है जो भी बाबा के बच्चे अपना योग अच्छा करना चाहते हैं योग के सब्जेक्ट में नंबर लेना चाहते हैं वो अमृत वेले फ्रेश होकर बैठे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं आज बाबा ने फिर से स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न बच्चों को याद किया है एक एक शब्द बाबा कहता है पहली है एक एक अक्षर को जैसे मात पिता है फिर बाप दादा है फिर जगदम्बा है फिर सिकिल्दे है ब्राह्मण कुलभूषण है ये सब एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल है बाबा कहता है और आज फिर से कल के जैसा ही जैसे एक्सपेक्टेड था बिंदु रूप की स्थिति के वर्णन आया है कि बिंदु रूप स्थिति से हम व्यर्थ बोल और कर्म में शक्तियां नहीं गवाते हैं स्मृति बोल और कर्म सब समर्थ हो जाते हैं मालिक बन जाते हैं तो बाबा की चाबी लगाकर सर्व खजानों से हम तृप्ति का अनुभव करते हैं तो इस बाबा शब्द की चाबी को हमेशा साथ रखेंगे और आज पूरे दिन भर में बाबा बाबा करते हुए यथार्थ युक्ति से जो बाबा ने कहा कोई भी मेरे दर पर आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तो बिंदु बन बिंदु बाप के साथ रहेंगे और बाबा का यथार्थ युक्ति युक्त परिचय देंगे चलते फिरते बाबा को याद करेंगे और सर्वव्यापी की बात को सिद्ध करेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है अच्छा ओम शांति